हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स आपका मेरे कलरफुल लाइफ चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम से कैसे रीसेलिंग करें। तो मैंने उसमें कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए थे और आपको कुछ टिप्स दी थी। तो आई होप कि आपको उन टिप्स का फ़ायदा हुआ होगा। और मैंने उस वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि आगे मेरे साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, जो भी मेरे साथ होगा, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। कुछ टिप्स है जो मैं आज आपको देना चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड, कि मैंने इंस्टाग्राम पे क्या किया इतने दिनों तक और क्या मुझे रिस्पांस मिला है, और आप क्या करें और क्या ना करें। तो उसी के वो ही आज एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और आई होप कि जैसा पहला वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल हुआ होगा, वैसे ही ये वाला भी हो। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने रीसेलर फ्रेंड्स और भी होंगे तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जो भी आपका पर्सनल अकाउंट है, आप उसी से अपनी रीसेलिंग शुरू करें, क्योंकि उसमें आपके ऑलरेडी फॉलोवर्स बने हुए हैं। और इंस्टाग्राम में मेन जो चीज़ होती है वो फॉलोअर्स ही होते हैं। तो मतलब मुझे नहीं पता था, मैंने जो भी आपके साथ पिछली वीडियो में स्टोरी शेयर की थी। तो मैंने इस बारी क्या किया, मैंने दोनों अकाउंट पे काम किया है, जो मेरा पर्सनल अकाउंट था वो भी, और जो मैंने स्पेशल रीसेलिंग के लिए बनाया था वो भी। तो फ्रेंड्स, उसमें कोई भी मेरे को मतलब ना मेरे फॉलोवर्स उसमें बढ़े हैं, ना मुझे उसमें से कुछ रिस्पांस मिला है। हाँ, ज़रूर मैं उसमें रोज़ अपडेट करती हूँ, अपने जो भी प्रोडक्ट्स है, कैटलॉग्स है, वो मैं शेयर करती हूँ, बट कोई रिस्पांस नहीं है। बट कोई बात नहीं, मैं उसमें रोज़ काम ज़रूर करती हूँ। और जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो उस पे मैंने नोटिस किया कि मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं और मुझे रिस्पांस भी आ रहा है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अब इसी अकाउंट से मैं रीसेलिंग शुरू करूं। तो मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मुझे रिस्पांस मिला तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि जो मिस्टेक्स मैं करती हूँ वो आप लोग ना करो और आपकी रीसेलिंग को अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो मिले। तो मैंने अपने जो पर्सनल अकाउंट है उसी से अब रीसेलिंग करने का सोचा। तो मैंने जो स्पेशल रीसेलिंग के लिए अकाउंट बनाया था, उसमें मैंने ये गलती की थी, क्योंकि मुझे उसमें कोई नॉलेज नहीं था उस टाइम कि इंस्टाग्राम क्या होता है। जस्ट मैंने सुना और करना शुरू कर दिया। बाकी मैंने खुद ही सीखा है, जो भी सीखा है अपने आप ही सीखा है। और हम अपने आप ही जब कुछ करते हैं और उसमें फ़ेल होते हैं, फिर हम उसी से सीखते हैं, और वो ही हमारा जो ज्ञान होता है वो बेस्ट होता है। तो मैंने उसमें क्या किया था, मैंने अपने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी, अपने स्टोर के बारे में कुछ बताया नहीं, और किसी को कोई नॉलेज नहीं है कि कहाँ से ये स्टोर है और क्या क्या इसमें वैरायटीज़ है, क्या इसकी सर्विसेज है, क्या कंडीशंस है। मतलब मैंने कुछ इंट्रोडक्शन एक होती है वो नहीं दी, ठीक है। और मैंने सीधा उसमें अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो डालने 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 शुरू कर दिए। तो वो तो मेरी ही गलती थी। अब मैंने इस जो जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उस पर मैंने ये गलती नहीं की। मैंने अपने ब्रांड को एक नाम दिया और उसे सजाया धजाया, अच्छा अट्रैक्टिव एक लोगो टाइप बना दिया, और उसे मैंने इंट्रोडक्शन के तरह प्रेजेंट किया वीडियो से भी। मैंने वीडियो बनाया, और वीडियो में मैंने अपने अपना जो भी स्टोर है उसका नाम पहले बताया कि ये मेरा स्टोर है, और बाद में जो भी सर्विसेज जो मेरा स्टोर प्रोवाइड करेगा हमारे कस्टमर्स को, वो मैंने पूरा उस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो बना के प्रेजेंट किया है। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, जो हमारी वहाँ पे हाईलाइट्स होती है, हाइलाइट्स में भी हमने उसका डाला कि कोई भी फॉलोअर है जो न्यू बन रहा है वो हाईलाइट ज़रूर देखेगा, ठीक है। तो मैंने हाईलाइट में भी अपना जो अकाउंट का अपने जो सॉरी स्टोर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैंने वैसे भी डाला है और हाईलाइट में भी डाला है, ताकि जो भी नया भी फॉलोअर कोई जुड़े, या नया कस्टमर कोई भी मिले, या नया फ्रेंड कोई भी मिले, जो भी मतलब पर्सन मेरे अकाउंट को देखे, तो वो हाईलाइट पे जाके ज़रूर देखे और उसे पता चले कि हाँ यार, ये अकाउंट एक ऑनलाइन स्टोर का अकाउंट है और इस तरह से ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
एक तो ये करना चाहिए, अगर आप इंस्टाग्राम से रीसेलिंग शुरू कर रहे हैं तो ज़रूर अपनी इंट्रोडक्शन दो, चाहे आप रीसेलिंग अकाउंट बनाओ चाहे अपना पर्सनल अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों को आपके आपकी जो बात है वो बिना कहे सब तक पहुंचेगी, ठीक है। क्योंकि कोई आपको जानता है कोई नहीं जानता है, जो जानता है वो तो आपको डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकता है कि यार ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम, पहले अपनी फ़ोटोज़ डालते थे अब ये क्या प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हो, क्या है ये, ठीक है। जो नहीं जानता वो क्यों पूछेगा, वो देखेगा लाइक करेगा और छोड़ देगा। इसीलिए इंट्रोडक्शन आप जैसे भी देना चाहो, जैसे मैंने वीडियो से बनाया तो आप वीडियो से बना के दे सकते हो, और बाकी आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप सिंपली एक कोलाज बना के भी आप अपने स्टोर की एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, जैसे मैंने वीडियो में बताया है कि मेरे स्टोर का नाम ये है, ठीक है, और इसमें फ्री शिपिंग मिलेगी आपको, ठीक है, 100% क्वालिटी का गारंटी है, और साथ ही साथ इजी रिटर्न्स है, COD अवेलेबल है, जो मेन पॉइंट है COD, COD ज़रूर रखें फ्रेंड्स, और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दें, ठीक है। क्योंकि जो नंबर नंबर से ये होता है कि कोई भी पर्सन होगा उसे एक विश्वास होगा कि हाँ यार बंदे ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है तो ये फेक नहीं है, ठीक है। तो वो आपसे वहाँ पे क्वेश्चन जो भी उसके माइंड में होगा वो पूछ सकता है इजीली। तो व्हाट्सएप नंबर, अपना नंबर जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में COD का ऑप्शन इसलिए रखें क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन सुनते ही हर पर्सन को जो एक विश्वास है वो वैसे ही बन जाता है कि नहीं यार हमें जब चीज़ मिलेगी तभी हमें पैसा देना है। अगर आप COD ऑप्शन नहीं रखोगे तो लोग आपको फेक समझेंगे, क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत फ्रॉड हो रहा है तो उस वजह से सब लोग डर जाते हैं। और वैसे भी अगर मैं अपने आप को ही लेके चलूँ कि अगर मुझे मैं ही एक कस्टमर हूँ, मैं ही एक बायर हूँ, तो मैं पहले COD ऑप्शन देखूँगी। मैं ये नहीं देखूँगी कि नहीं यार ऑनलाइन मुझे पेमेंट करना है या कुछ, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बिल्कुल उस स्टोर पे जाना पसंद नहीं करूँगी। और आप भी अगर अपने आप को एज अ बायर लेके चलो तो आपके माइंड में भी यही वो पहले क्वेश्चन आएगा कि यार इसमें COD है या नहीं है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो, और एक दो दिन हो सके तो उसकी फुल मार्केटिंग करो, रिप्रेजेंट माई ऑनलाइन स्टोर, उसमें फ्री शिपिंग को हाईलाइट करो, COD को हाईलाइट करो, अलग अलग मतलब अट्रैक्टिव उसके वो जैसे वॉलपेपर टाइप बना के वो डालो। तो एक दो दिन आप इस तरह से उसकी जो मतलब मार्केटिंग है वो कर सकते हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। उससे ये होगा कि उससे मतलब एक दो दिन चलेगा तो वो जितने भी लोग देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, मतलब जो आपको फॉलो करते हैं, तो वो मतलब उनके माइंड में एक रहेगा कि हाँ यार इस अकाउंट में अब कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है। तो वो एक तरह से एक आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी, और हाईलाइट में ज़रूर उस चीज़ को रखें कि आपने इंट्रोडक्शन अपनी हाईलाइट में ज़रूर देनी है, ताकि आपका जो भी नया फॉलोवर जुड़ रहा है आपके साथ तो वो आपके हाईलाइट को ज़रूर देखेगा, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंट्रोडक्शन आपने स्टोर का इनडायरेक्ट वैसे भी दे रहे हो, ठीक है। अब दूसरी जो मैं आपको बताऊंगी कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, जो हम सब मिस्टेक भी करते हैं, ठीक है, तो मैंने भी किया था। हम इंस्टाग्राम पे जैसे स्टोरीज़ का फीचर है, ठीक है, स्टोरी आप दिखा सकते हो और वो 24 घंटे तक रहती है, तो ये जो ऑप्शन है ना बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको फॉलो कर रहा है सिर्फ वो ही आपकी स्टोरी देखेगा, नहीं, जो आपको फॉलो नहीं भी कर रहा है ना वो भी आपकी स्टोरीज देख सकता है। तो पहले जो आप मैंने आपको बताया कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप इंट्रो की जो भी है, आपने इंट्रो के जो वीडियो है या आपका कॉलाज है या आपका वॉलपेपर है, जो भी आपने बनाया है वो स्टोरीज में ज़रूर डालो। तो 24 घंटे तक वो रहता है, तो 24 घंटे में जितने भी लोग होंगे जो आपके फॉलोअर्स हैं, नहीं भी है, ठीक है, वो ज़रूर उस चीज़ को नोटिस करेंगे और वो देखेंगे। तो ये आपकी एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग होगी। अब साथ ही साथ हमें अब हमारी जो इंट्रोडक्शन है स्टोर की वो तो हो चुकी है, अब आप बात करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट्स डालने शुरू करने हैं। तो आप प्रोडक्ट को
मतलब ऐसे मत कि जैसे हम कहते हैं ना सीधा, जैसे मैंने किया, मैंने अपने जो स्पेशल रीसेलिंग के लिए अकाउंट बनाया था, मैंने उसमें क्या किया, सीधा वहाँ मतलब ऐप से प्रोडक्ट उठाया और सीधा बस डाल दिया, ठीक है। और हैशटैग मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई थी कि हैशटैग लगाना पड़ता है तो उससे हमारी रीच बढ़ती है। तो आप हैशटैग का यूज़ भी करो, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितना अट्रैक्टिव आप उस मतलब इमेज को बना के प्रेजेंट कर सकते हो ना, मतलब वो ही एक अट्रैक्शन वाला पॉइंट बन जाता है। तो आप सिंपली मत डालो उसको कुछ ना कुछ, और प्राइस ज़रूर मेंशन करो, प्राइस प्राइस ज़रूर मेंशन करो, क्योंकि प्राइस से ना एक ट्रस्ट बना रहता है और एक ना क्लियरिटी होती है, क्लियर होता है कि हाँ यार मतलब ये जो चीज़ है ये इतने की मिल रही है, इस स्टोर में मिल रही है, ठीक है। क्योंकि उसे ना सस्पेंस नहीं बना होता है और ज़्यादा अट्रैक्शन होती है मेरे ख्याल से, ठीक है। वैसे मैक्सिमम मैंने जितने स्टोर्स देखे ना उन सब में प्राइस मेंशन है, हाँ, बट उनमें एक नेगेटिव चीज़ मैंने देखी कि वो COD का ऑप्शन नहीं रखते हैं, जिस वजह से उनके जो कस्टमर है वो थोड़े मतलब उनसे हट जाते हैं कि नहीं यार इसमें COD नहीं है तो हम नहीं कुछ लेना चाहेंगे। मैंने काफ़ी कमेंट्स भी पढ़े। और फ्री शिपिंग हाईलाइट करो हर हर एक उसमें, ऐसा नहीं बस वहाँ से उठाया और बस डाल दिया, नहीं। आप जो भी प्रोडक्ट डालोगे उसका जो पहली पहली पिक्चर है उसको अट्रैक्टिव बताओ, बनाओ, उसको ऐसे दिखाओ कि हाँ इसमें फ्री शिपिंग मिल रहा है, ये ऑफ़र इतने टाइम तक है, इसमें ये डिस्काउंट है, इसका आज का प्राइस ये है, इस तरह का है। तो ये सब चीज़ें अट्रैक्टिव जैसा बना के फिर आप डालो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। मेरे को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, 2 दिन मैंने इंट्रोडक्शन सुबह डाली अपने स्टोर की, जो मेरा पर्सनल अकाउंट था मैंने उसमें ही ये करके देखा है, और मैंने सुबह इंट्रोडक्शन डाली है वीडियो की और हाईलाइट में भी और स्टोरीज में भी, और दिन तक मुझे मैसेज आने शुरू हो गए थे। जिन्होंने आज तक मुझे मैसेज भी नहीं किया, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पे एक भी फ्रेंड नहीं है, उसमें से कोई फ्रेंड नहीं है, कोई मतलब किसी को मैं जानती नहीं हूँ, जस्ट मेरे को वो फॉलो करते थे, तो मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए कि ये क्या है, मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो एक ना मतलब अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। अगर मैं उसको सीधा ही प्रोडक्ट्स डालने लग जाती ना, जैसे मैंने अपने रीसेलिंग अकाउंट में किया था, तो मुझे पता था कि वीडियो मतलब उस पर भी लाइक होना था, लाइक होने के बाद वो वैसे ही छूट जाना था। तो मुझे मैसेज आया कि क्या शुरू कर रहे हो, क्या क्या है ये, तुम्हारे अकाउंट में क्या हो रहा है, आज से पहले तो तुम अपनी फ़ोटोज़ डालते थे, इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने दिन में मैंने उनको आंसर किया कि ऐसे ऐसे मैं अपना ऑनलाइन स्टोर इंस्टाग्राम से अब शुरू कर रही हूँ, पहले मैं व्हाट्सएप से ही काम कर रही थी तो अब मैं इंस्टाग्राम से शुरू कर रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा मुझे। तो मैंने इस तरह के मैसेज उनको रिप्लाई कर दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अगर मेरी मतलब मैंने स्टोरीज़ में तो डाला ही है तो 24 घंटे तक तो वो इंट्रोडक्शन रहेगा ही। फिर मैंने जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैंने वीडियो बनानी शुरू करी, मैंने एक दो वीडियोस बनाई और वैसे भी थोड़े से प्रोडक्ट देखे और इंस्टाग्राम पे डाले विद प्राइस। तो मुझे शाम को उसके रिगार्डिंग भी मैसेज आए कि ये प्रोडक्ट इतने का है, अच्छा तो कैसे कैसे दे रहे हो, क्या इसका मतलब किस किस तरह का है, कैसे मतलब हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी स्टोरी आपको बताने का मतलब मकसद मेरा यही है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से शुरू करो, चाहे आप अपने रीसेलिंग के लिए स्पेशल अकाउंट बनाओ इंस्टाग्राम का। तो आपको कुछ इंस्टाग्राम के बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो हमारे बिजनेस में बहुत हेल्पफुल है, तो अगर आपको नहीं पता उन फीचर्स के बारे में तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि हम किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं, और गूगल पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो, तो बहुत हेल्पफुल है। जितने भी फीचर्स हैं आप उनको ज़रूर यूज़ करो, और अपने स्टोर की पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर दो, उसकी मार्केटिंग ज़रूर करो 1-2 दिन, और उसके बाद जो भी आप मतलब प्रोडक्ट डालना चाहो, जिस भी जैसे मेंस वियर्स का डालना चाहो, चाहे वीमेंस का डालना चाहो, चाहे किड्स का डालना चाहो, चाहे होम से रिलेटेड डालना चाहो, बट उसको है ना अट्रैक्टिव बना के ज़रूर दिखाओ, पेश करो, और साथ ही साथ अपना COD ज़रूर मेंशन करो, इजी रिटर्न्स ज़रूर मेंशन करो, और साथ ही साथ अपना नंबर ज़रूर शो करो, और प्राइस भी ज़रूर डालो, चाहे आप यही बोलो कि 1 दिन के लिए इसका ये प्राइस है।
तो ज़रूर आपको जो इंस्टाग्राम से है वो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, और आपके रीसेलिंग के लिए चाहे आपको ऑर्डर्स बहुत लेट मिले, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि एकदम कुछ नहीं होता है, ठीक है। मुझे भी ऑर्डर नहीं मिला, मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं, मैंने 2 दिन के अंदर की कहानी आपको बताई है। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर मिले, बट कम से कम आपके स्टोर की बातचीत तो होगी ना कि हाँ यार इस तरह का ऑनलाइन स्टोर इस बंदी ने भी शुरू कर दिया है, ऐसा शुरू कर दिया है। तो एडवर्टाइजमेंट करते रहो, जो इंस्टाग्राम के फीचर्स हैं उनको यूज़ करो, सीखो कि किस तरह से यूज़ करना है, और उनको ज़रूर यूज़ करो। और जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है, क्योंकि मैंने ये सब नहीं किया था तो मुझे आज तक इसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला है, ज़ीरो रिस्पॉन्स है, ज़ीरो, 2 ढाई महीने हो चुके हैं, ज़ीरो रिस्पॉन्स। फॉलोवर्स अभी तक 20 या 22 ही है, जो मेरा रीसेलिंग के लिए अकाउंट है, क्योंकि मैंने उसमें इंट्रोडक्शन ही नहीं दी थी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो मैंने इतना सारा ज्ञान इकट्ठा किया था, तो मुझे भी फ़ायदा हो रहा है और डेफिनेटली आने वाले टाइम में मुझे ऑर्डर्स भी मिलेंगे, मुझे अब इस बात की बहुत खुशी है। और आप भी इन चीज़ों को यूज़ करो, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी देखना, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी रीसेलिंग।